सबसे आग्रह करूंगा कि हम फेडरलिज्म के संबंध में हमारे जो कुछ भी विचार हैं कभी बाबा साहब आम्बेडकर को जरूर पढ़ें, बाबा साहब आम्बेडकर की बातों का स्मरण करें। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान सभा में कहा था उसी को मैं कोट कर रहा हूं, और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था ये फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि यह अटूट है, प्रशासनिक सुविधा हेतु देश और लोगों को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, प्रशासन के लिए विभिन्न राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन देश अभिन्न रूप से एक है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं और नेशन की कल्पना को स्पष्ट किया है, और ये बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा है। मैं समझता हूं फेडरलिज्म को समझने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर के इतने गहन विचारों से अधिक मैं समझता हूं कि मार्गदर्शन के लिए किसी बात की जरूरत है।